चित्रकूट के दीनदयाल शोध संस्थान के उद्यमिता विद्यापीठ चित्रकूट में आयोजित 4 दिवसीय ग्रामोदय मेले में एक भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भैंसे की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस भैंसे की कीमत के सामने करोड़ों की मर्सिडीज भी फेल है। भैंसा का नाम गोलू बताया जा रहा है। यहाँ प्रदर्शनी में मौजूद भैंसे को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये भैंसा पानीपत हरियाणा के पद्मश्री से सम्मानित किसान नरेंद्र सिंह का है, जो कि 12वीं पास है। चित्रकूट में चल रहे ग्रामोदय मेले में अपने भैंसे गोलू को लेकर आए हैं। प्रदर्शनी में मौजूद भैंसा गोलू लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भैंसा वास्तव में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है, जिसे देखकर आप भी आकर्षित होने से नहीं रोक पाएंगे। हरियाणा के पानीपत से लेकर आए किसान नरेंद्र सिंह ने भैंसे के बारे में बताया कि इसके दादा का नाम गोलू एक था, यह शुद्ध मुर्रा प्रजाति का है और इसकी माँ 26 किलो दूध प्रतिदिन देती है। गोलू 2 का वजन 1.5 टन और इसकी उम्र 4 वर्ष 6 माह है। गोलू के पिता का नाम PC 483 है, जिसको उन्होंने हरियाणा सरकार को नस्ल सुधार के लिए दे दिया था। गोलू प्रतिदिन अपनी डाइट में 30 किलो सूखा हरा चारा, 7 किलो गेहूं चना और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर खाता है। नरेंद्र सिंह अभी तक गोलू से लगभग 20 लाख का सीमेन कलेक्शन कर चुके हैं। गोलू 2 के अन्य भाई भी हैं, जिनका नाम सुल्तान, युवराज, शहनशाह और सूरज है। कीमत के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि यह अनमोल है और वह इसे बेचना नहीं चाहते। जहां तक कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी गई है।